2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80, देश में 400 पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, यह जनता ने ठान करके बैठा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आसान नहीं है, हर एक राज्य में हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड बनाएगी और अब की बार दिल्ली में 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 75 सीटें आ रही है गठबंधन की। साउथ के अंदर तो बीजेपी को अगर 5% सीटें भी मिल जाएं तो ये 75 सीटें एबीपी ने दिखाई है वो एक अच्छे संकेत है। भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है मोदी जी की गारंटी को लेकर। बीजेपी की सीट 350 के पार होगी और हम एनडीए मिल करके 400 के पार होंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं, मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय है 12 से 2 और आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर आपको परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अकुश श्रीवास्तव जी, विनोद अग्निहोत्री जी, दो और पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, दिबांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शो में। और शो की शुरुआत एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सर्वे के आंकड़ों के साथ, 2024 के इस पहले ओपिनियन पोल के नतीजे ये बता रहे हैं एनडीए को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान, इंडिया गठबंधन को 38% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 20% वोट शेयर जा सकता है। और जहां तक सीटों का सवाल है तो फिर ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 295 से 335 तक एनडीए के खाते में जा सकती हैं, और मतलब साफ कि तीसरी बार सरकार बना सकता है एनडीए। कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन इंडिया, यहां 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 35 से 65 सीटें जा सकती हैं। तो मतलब साफ है ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 पे मोदी सरकार की हैट्रिक का अनुमान है, यानी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार। और ये वो आंकड़े जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आप देख रहे हैं किस तरीके से एनडीए के खाते में जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा 295 से 335 जा सकता है। ओपिनियन पोल पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है, सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं जब से एबीपी न्यूज ने सी वोटर का यह आंकड़ा दिखाया है। कांग्रेस और उसके साथियों को 440 वोल्ट का झटका लगेगा, ये कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। विपक्ष के लिए 2024 में कोई वैकेंसी नहीं और उसके बाद 2029 में भी कोई जगह खाली नहीं। सुनिए नकवी साहब, एनडीए को 295 से 365 सीटें जो हैं वो एबीपी न्यूज सी वोटर को ओपिनियन पोल में। देखिए मैं आपको बताऊं, 24 के चुनावी चुनाव पे 440 का झटका लगने वाला है कांग्रेस पार्टी को और उनके जो कुनबे के साथी हैं उनको। ये जो कुनबे की चिक चिक किचकिच चल रही है उससे स्पष्ट है कि ये 24 के चौराहे से 34 के चौक तक पहुंचने की कोशिश है और चाल है, क्योंकि कांग्रेस की जो जिस खटारा गाड़ी में उसके कुनबे के खुर्राट सवारी बैठी हुई है वो तो सामने जो है वो गड्ढा पीछे खाई। एक तरफ 335 सीटें, 295 से 335 सीटें जो है वो इंडिया को मिल रही हैं, वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान। चुनाव आते आते एक बार फिर आपका ये पोल होगा, एग्जिट पोल होगा, ओपिनियन पोल होगा, जो भी होगा, एक चीज आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी होकर के जाता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटें में से 73 से 75 सीटें जो है वो एनडीए को मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और एसपी को 4 से। देखो मैं बता दूं, यूपी में भी जो समाजवादी टीपू हैं और सामंती सुल्तान, उनका जो है वो उनका गणित जो है गच्चा खा चुका है। अगर वही बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 21 से लेकर के 23 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिल रही हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि भाई 34 में कुछ हो सकता है, किस्मत आजमा लें, क्योंकि 24 में वैकेंसी है नहीं, उसके बाद भी वैकेंसी है नहीं, 34 में भी क्या होगा पता नहीं। तो
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं 24 में कोई वैकेंसी नहीं, 29 में भी कोई जगह नहीं बनती हुई विपक्ष के लिए नजर आ रही है। और ऐसे में अब जबकि सर्वे का आंकड़ा सामने आ गया है तो तस्वीर बहुत साफ है, और वो तस्वीर जो साफ है, जिससे संदेश साफ नजर आ रहा है, वो यही है कि सर्वे का संदेश है मोदी फिर जीतेंगे देश। इसमें कोई शक शुबा नहीं, क्योंकि आंकड़ा यही संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। और चर्चा जिस मुद्दे पर हमें करनी है वो राम नाम काम, मतलब 300 प्लस का इंतजाम, ऐसे ही हो रहा है विजय जी, 300 प्लस का इंतजाम राम नाम और काम से। ये आपने तीनों शब्द बहुत सही इस्तेमाल किए हैं कि तीनों ही चीजें चल रही हैं, राम नाम और काम, और मुझे लगता है कि और इंतजाम, और इंतजाम, इंतजाम तो वो हो ही गया, 300 प्लस का इंतजाम हो गया। प्रधानमंत्री का नाम तो चल ही रहा है और उसी से सारे चुनाव वो लगातार जीत रहे हैं, तो वो है राम जन्मभूमि का जो पूरा 1 जनवरी से लंबा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी एक बड़ा मदद करेगा राम जन्मभूमि निर्माण। और काम को लेकर अभी कल परसों भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि लाभार्थियों पर फोकस किया जाए। प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं कि जो योजनाएँ हैं उनके लिए उनको पहुँचाया जाए, और जो लाभार्थी हैं उनको टैप किया जाए कि उन तक वो पहुँची है कि नहीं पहुँची है, कोई परेशानी रही है या क्या है, और यदि पहुँची है तो वो उसको ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मदद की है, तो वो काम होगा। लेकिन इस सर्वे के साथ मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कोई आज की तारीख में पता नहीं पड़ रहा कि वो किस स्थिति में होंगे अगले 4 महीने में, 3 महीने में, ठीक है, यदि वो कहाँ बढ़ते हैं वो इसको थोड़ा बहुत असर डाल सकते होंगे, लेकिन कोई बड़ा असर होगा, बड़ा बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। दिबांग जी, राम नाम काम 300 प्लस का इंतजाम। या बिल्कुल, देखिए अगर आप बीजेपी को देखें तो मोटी तीन ताकतें क्या हैं उनकी, धर्म है, नेशनलिज्म है जिसमें वो भारत को सबसे गुरु बताते हैं विश्व का, तीसरा उनका लाभार्थी है, और फिर जो मशीनरी है और जो पैसा है, संसाधन है उनके पास, तो ये जो अभी है ये चारों पहिए उनके लगातार बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष अभी तो अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता है, और उसमें भी अगर इतना आंकड़ा आ रहा है विपक्ष का तो उनको अभी निराश ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को लीड है, बहुत अच्छी लीड है, और उनको एक तरीके से हेड स्टार्ट है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, और हर बार वो इसमें लीड लेते हैं तैयारी करने में, आगे बढ़ने में, और उनकी जो बड़ी मशीनरी है वो उसमें उनका पूरा साथ देती है। मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर विश्लेषक हैं वो जिस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो संसाधन है। आज जो चुनाव है बहुत महंगा हो गया है और पैसा जुटाना बहुत ज़रूरी है, उसमें भी बीजेपी हम लगातार देख रहे हैं, आंकड़े भी आते हैं बताते हैं कि काफ़ी आगे बाकियों से। अक्कू जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई, ये जो जिसने भी ये शब्द गढ़ा है वो अपने आप में बहुत सटीक दिशा में है, जैसे कि बीजेपी सटीक दिशा में चल रही है वैसे ये शब्द भी गढ़े बिल्कुल सटीक दिशा में है। ये तय है कि बीजेपी अब तक जो चुनाव, ख़ास तौर से अभी जो हाल में चुनाव हुआ, वो नाम और काम पे जीती है, और नाम पे से ज़्यादा लाभार्थी भी जीती है। वो उसने एजेंडा जो शुरुआत के दौर में एक अपने तरीके शुरू किया, फिर उसमें होड़ लेनी शुरू की कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को किनारे करते हुए उतना कर दिया कि आप उसकी होड़ ले नहीं सकते। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों ने माना उसको ये, क्योंकि बीजेपी एक उस हालत में है जहां वो डिलीवरी करती रही है, कर सकती है, तो लोगों ने उस पर ज़्यादा विश्वास किया बनस्पत उसके कि कांग्रेस पर विश्वास करें। उसमें अब राम नाम का तड़का जब लग जाएगा तो वो तड़का क्या पूरी अब एक पूरा माहौल जो है राम नाम पे हो जाएगा, और लाभार्थी तो है ही, तो राम नाम को जब लाभार्थी लेकर के चलेगा तो वो और बड़ा रूप और बड़ी पिक्चर हो जाएगी। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, हमारे दोनों साथी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अभी कोई हिसाब किताब नहीं नज़र आ रहा है, और आएगा भी तो कहाँ नज़र आएगा जी, उत्तर प्रदेश में नज़र आएगा, जहाँ आप ऑलरेडी, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते रहे कि हम लोग 70 से ज़्यादा सीटें देते रहे, आपने और ज़्यादा दी हैं उनको, तो वहाँ पर क्या कर लेंगे उसके बावजूद भी, वो भी संभावना बहुत मुश्किल है। एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर इनके जोड़ घटजोड़ की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं, अदरवाइज तो आगे पीछे भाजपा आगे चली रही है इस मामले में। विनोद जी, ये जो राम नाम काम हम लोगों ने कहा है, तो इसमें राम और नाम कम से कम दो तो ऐसे मोर्चे हैं जहां विपक्ष दूर दूर तक रेस में नजर नहीं आता। इसमें एक शब्द और जोड़ी है, कमी मुझे महसूस हुई, राम नाम काम और विपक्ष का आराम, तो वो भी मुझे लगता जोड़ा जाए, क्योंकि जब सामने वाला पहलवान कमजोर हो तो और आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अगर सामने मजबूत पहलवान हो तो फिर कांटे की टक्कर होती है। जैसे जहां जहां आप राज्यों के चुनाव भी देखिए, मजबूत पहलवान है बीजेपी के सामने, ममता बनर्जी हैं तो वहाँ उभार जाते हैं,
लालू नीतीश जब मिल जाते हैं तो बिहार हार जाती है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हरा देते हैं, स्टालिन तमिलनाडु में हरा देते हैं, KCR अब तक हराते रहे वहाँ। तो कुल मिला के जहाँ मजबूत विपक्ष है, जहाँ सामने वाला मजबूत है वहाँ बीजेपी को मुश्किल आती है, और जहाँ सामने वाला कमज़ोर है वहाँ राम नाम और काम तीनों भी चल जाते हैं और सामने वाले का आराम भी मदद कर देता है। तो अभी तो जैसे कल मैं आपके चैनल पे इसी चैनल पे था तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तो हमारा गियर ही नहीं शुरू हुआ है, अभी तो हम न्यूट्रल गियर में हैं और अभी से आप लोग हमारा आकलन करने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई गियर कब लगेगा ये मतलब राग दरबारी का जो पात्र था जो ट्रक में गियर टॉप गियर डालता था वो अपने आप न्यूट्रल में चला जाता था, क्या वो स्थिति है? तो कुल में आप देखिए जनता दल में क्राइसिस शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार संभालेंगे, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, वहाँ इंटरनल क्राइसिस है। अब पहले वो अपना घर दुरुस्त करें, फिर सीटों को बंटवारे को 31 दिसंबर तक की तारीख है या 26 दिसंबर हो रहा है, अभी तक तो कोई बैठक कहाँ हुई क्या हुई कुछ समझ तो नहीं आ रहा है हम लोगों के सामने। 31 से कौन सा चमत्कार हो जाएगा, एकदम से सामने लिस्टें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है ये भी एक प्लस पॉइंट बीजेपी को मिल रहा है कि सामने वाला पहलवान अखाड़े में कमजोर है, उसकी तैयारी नहीं है। जिसे आपने कहा कि विपक्ष का आरा, बहुत खूबसूरती के साथ आपने जोड़ दिया नाम नाम काम। एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ, दिबांग जी ने संसाधन पर जोर दिया, मैं कह रहा हूँ इसमें जो हमने नहीं जोड़ा है वो है संगठन। संगठन जो है उसकी नींव है, तो वो 50% 60% काम तो उसका वो बड़ा है और वहाँ पर इंडिया गठबंधन उनसे बहुत पीछे, वो संसाधन जोड़ ले, नाम जोड़ ले, कुछ और कर ले, लेकिन संगठन के लेवल पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो 50 पॉइंट जो है ना उसके पास वो ज़्यादा है। ठीक है, तो लगता है मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके बाद इस चर्चा को हम बढ़ा लेंगे आगे। एक कंपैरिजन डेटा दिखा देते हैं आपको, 2019 में जो आंकड़ा सामने आया था उसका आंकड़ा आपके सामने होगा। ये देखिए, ये आपके सामने जो आंकड़ा है वो दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं और ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो कह रहा है। एनडीए देखिए 2019 के नतीजों में 352 पर था और इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि एनडीए जो है वो 295 से 235 सीटों के बीच 335 सीटों के बीच रह सकता है। इंडिया गठबंधन जो 2019 के नतीजों में 94 पर था 165 से 205 पर पहुंच सकता है। अन्य के खाते में 2019 में जो 97 सीटें गई थी इस बार 24 लोकसभा चुनाव में वो 35 से 65 के बीच रह सकता है आंकड़ा। तो कुल मिलाकर अब एक जो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो सवाल जो है रीजन वाइज जिस तरीके से आंकड़ा सामने निकल कर आया ना उसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ले आइए जरा जल्दी से दर्शकों के सामने, सवाल रख देते हैं, कैसे दक्षिण में सीट कम आई तो उत्तर से हो जाएगी भरपाई, यही वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा करेंगे हम। विजय जी क्या लग रहा है आपको, ये जाम नाम काम दक्षिण में तो लेकिन उस रूप में नहीं चल पा रहा है, तो दक्षिण में वो सीटें अगर नहीं बढ़ रही हैं तो उत्तर से भरपाई हो पाएगी? देखिए उत्तर में तो एक स्थिति यह है कि वो 100% के आसपास ही है ऑलमोस्ट, यदि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें हैं 64 सीटें हैं, तो वहाँ पर भी वो कितना बढ़ेंगे, 70 प्लस हो सकते हैं मैक्सिमम यदि जो अभी संभावना दिख रही है। तो इसलिए उनको खासतौर से दक्षिण की जो सीटें हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर में अभी मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ जैसी जगह है जहाँ पर 9 सीटें हैं तो वो 11 हो सकती है। उत्तर प्रदेश राजस्थान में तो पूरी की पूरी 25 सीटें आपके पास थी ही, गुजरात में आपके पास 26 सीटें थी, मध्य प्रदेश में 28 सीटें थी, तो उत्तर भारत में तो उनके पास जगह, दिल्ली में 7 की 7 है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, झारखंड हो सकता है, लेकिन और कोई जगह नहीं है। बिहार में वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में कमी हो सकती है, बिहार बंगाल महाराष्ट्र ये 3 प्रदेश हैं जहां पर वो बिहार बंगाल को हमने पूर्वी भारत में रखा। हाँ नहीं मैं उत्तर भारत में इसीलिए कह रहा हूँ, उत्तर भारत में तो कोई जगह उनके पास बची नहीं रही सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलावा, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कैसे काम करता है, क्या अलायंस करता है, उससे तय होगा कि वो अपनी सीटें कितनी बढ़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। और जो राम जन्मभूमि का पूरा काम है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर डालेगा, तो उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो जो कर्नाटक तेलंगाना में यदि सीटें कम होती हैं तो उसको उत्तर प्रदेश में भरपाई कर सके। बिल्कुल, एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर बरेली से 8 बार के सांसद हैं संतोष गंगवार, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार कह रहे हैं देश के मतदाताओं को मोदी पर भरोसा है, जनता जानती है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, 2024 के चुनाव में सर्वे से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये भरोसा भी संतोष गंगवार की तरफ से जताया गया है, सुनिए। में हमारे साथ वरिष्ठ सांसद 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना कहेंगे, जो सर्वे आया है उसमें बंपर जीते हो रही है आपकी? न, वास्तव में देश का मतदाता आदरणीय मोदी जी पर भरोसा और विश्वास कर रहा है और उन्हें लग रहा है कि वास्तव में देश को एक सही दिशा में ले जाने का और हमारा देश दुनिया में पहचान बनाने का काम
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही कर रहा है, तो इसलिए जो सोच है मतदाताओं का वो सही है। मुझे लगता है कि जो सीटें वो बता रहे हैं, जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो अब इससे ज़्यादा ही सीटें आप सुनेंगे और देश की जनता के प्रति विश्वास रख कर। विपक्ष की क्या स्थिति लग रही है आपको? मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये विश्वास जताया गया है संतोष गंगवार की तरफ से, और ऐसे में सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि दक्षिण में तो सीटें कम आती हुई नजर आ रही हैं, तो उत्तर से भर पाई, जिसके लिए विजय जी बोले कि साहब ज्यादा गुंजाइश उत्तर में बचती नहीं है। दिबांग देखिए, आप चार राज्यों को देखें जिसमें बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहाँ बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार काफ़ी अच्छा रहा और 158 सीटें हैं और 125 बीजेपी गठबंधन के पास है, 83 कुल बीजेपी के पास हैं। मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इन राज्यों में काफ़ी उठापटक हुई है पॉलिटिकली, और बीजेपी क्या उन सीट्स को रिटेन कर पाएगी, ये एक तरीके से बड़ा सवाल है। और अगर इन स्टेट्स में हलचल होती है, यानी बीजेपी की सीटें कम होती है, तो फिर उनको भरपाई करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेरे ख्याल से करीबी फाइट हो जाएगी अगर इन स्टेट्स में हलचल होती है, तो ये एक समझने वाली बात है। दूसरा जो विजय कह रहे थे मुझे कि वर्कर का मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने जब कहा कि मशीन, तो मशीन से मेरा आशय वर्कर से ही था। अब आप कहेंगे वर्कर को आपने मशीन बना दिया, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतना अच्छा डिलीवर करते हैं कि एकदम एक मशीन की तरह बिना किसी गलती किए हुए बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, इसलिए मैंने उसको कहा। विनोद जी, यहाँ पर अभी हम जो आंकड़ा दिखा रहे थे दक्षिण भारत का, जिन राज्यों का जिक्र विजय जी भी कर रहे थे, दिबांग जी ने भी किया है, वो राज्य ऐसे जहाँ इस बार गठबंधन का समीकरण एनडीए के लिहाज से बदला हुआ नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए, ऐसे में एक जो लग रहा था गुंजाइश दक्षिण भारत से निकलेगी, वो तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी को। मैं कल भी आपके सब चैनल पर सर्वे के दौरान था और कई चीजें हमने देखी। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण में दो राज्यों में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज्यादा है, केरला और तमिलनाडु में। तो आमतौर पर सारी जगह मोदी जी की आगे हैं, लेकिन केरला और तमिलनाडु में राहुल, और कई जगह काफी करीब है राहुल गांधी उनके, दक्षिण के राज्यों, तेलंगाना में वहाँ। तो यह भी एक फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दो तीन जो है, जैसे तमिलनाडु में AIDMK से गठबंधन टूट चुका है, वो NDA से अलग है, तो वहां जो बीजेपी को फायदा मिलता था AIDMK के साथ लड़ने का, वो इस बार कैसे मिलेगा, ये एक चुनौती है। दूसरा कर्नाटक का जिक्र अभी किया ही, तेलंगाना में चार MP थे वहाँ से बीजेपी के, इस बार अभी कितने आते हैं कि वो एक चुनौती है। आंध्र में चुनौती है, आंध्र में वो चंद्रबाबू के साथ गठबंधन करेंगे या जगनमोहन के साथ कह जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, ये भी है। और कर्नाटक का एक सवाल है, हालांकि कर्नाटक में JDS से किया है बीजेपी ने, ताकि वो भरपाई हो सके उसकी कम से कम वो, लेकिन पिछली बार कांग्रेस और JDS मिलकर लड़े थे तो उनकी एक सीट आई थी। तो बहुत दक्षिण की स्थिति जो है वो थोड़ी सी वैसी है, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर बात करूँ, हाँ, बीजेपी की बात तो हम लोग लगातार सब कर ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तर भारत में, उत्तर और पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र में तो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन गुजरात में उसकी स्थिति बिल्कुल शून्य के बराबर है, राजस्थान में शून्य के बराबर है उसकी स्थिति, और उत्तर भारत में आप देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला, वहाँ बीजेपी वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो इंडिया गठबंधन को अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो उन्हें उत्तर में ताकत लगानी है, और बीजेपी को अपनी टैली अगर बचाए रखनी है तो उन्हें दक्षिण में ताकत लगानी है। ये बिल्कुल आपके सर्वे से ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि किसको कहाँ ताकत लगानी चाहिए, बिल्कुल कौन कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है जिससे उसकी टैली इम्प्रूव हो सके, नंबर इम्प्रूव हो सके, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर जरूर साफ हो रही है।